तो इंडिया का सबसे पहला 5G स्मार्टफोन जो कि आईक्यू के तरफ से आने वाला था 25 फरवरी। लेकिन दोस्तों रियलमी ने यहाँ पे पूरा जो है गेम को पलट के रख दिया है और अपना X50 Pro जो कि MWC 2020 बार्सिलोना में लॉन्च होने वाला था वही फोन हमें ठीक एक दिन आगे 24 फरवरी इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में इसका लॉन्च इवेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है आईक्यू और रियलमी के तरफ से इंडिया का सबसे पहला 5G कनेक्टिविटी स्मार्टफोन कौन लॉन्च करेगा। दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 5G कनेक्टिविटी के साथ इंडिया का सबसे पहला फोन होगा Realme X50 Pro और ये फोन हमें बहुत ही जल्दी दिखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर Realme X50 Pro में आपको क्या-क्या फीचर और स्पेसिफिकेशन मिलेगा, कब तक और कितनी प्राइस में दिखने को मिलेगा, सारी डिटेल इस वाली वीडियो के अंदर। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दो इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे Realme X50 Pro जो होगा ना इसके अंदर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, साथ में ये एक सुपर AMOLED डिस्प्ले होगा और 6.57 इंच तक आपको डिस्प्ले दिखने को मिल सकता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और दोस्तों अगर डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो X50 जैसा ही आपको सिमिलर डिजाइन मिलेगा। इसके अंदर भी आपको मिलेगा डुअल पंच होल फ्रंट फेसिंग कैमरा, पीछे आपको ग्लास बैग मिलेगा क्वाड्रियर कैमरा सेटअप के साथ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे डिजाइन और डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम होगा Realme X50 Pro में। चलिए बात करते हैं अभी प्रोसेसर के बारे में जो कि इस फोन का एक और मेन हाईलाइट रहने वाला है। इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन का अभी तक का सबसे पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ दिखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 का जो इंटू स्कोर निकल के आया है ना 5,75,000 जो कि ऑलमोस्ट डबल है स्नैपड्रैगन 855 से। दोस्तों यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस ना नेक्स्ट लेवल मिलेगा इस फोन के अंदर और कैमरा का क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे बेटर दिखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 865 के लिए। साथ में ये चिपसेट जो है 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट है और डेफिनेटली इस फोन के अंदर आपको 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और दोस्तों ये फोन सबसे पहला 5G फोन भी होगा 24 तारीख को जो कि लॉन्च होने वाला है। कुछ एडिशनल फीचर भी मिल जाता है Realme X50 Pro में, जैसे कि Wi-Fi 6 65 वैट फास्ट चार्जिंग के साथ आपको सुपर डार्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहां पे आपको जो कैमरा देखने को मिलता है ना 64 मेगापिक्सल का ही मिलेगा क्वाड्रियर कैमरा के साथ, बाकी आपको एक एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो लेंस एंड डेप्थ सेंसिंग कैमरा, फ्रंट फेसिंग कैमरा, डुअल पंच फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। दोस्तों यहां पे आपको जो रैम वेरिएंट मिलेगा 12GB एंड 256GB वेरिएंट के साथ Realme X50 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो यही कुछ फीचर एंड स्पेसिफिकेशन के साथ Realme X50 Pro 24 फरवरी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर iQOO 3 Pro से भी आगे और इंडिया का सबसे पहला 5G फोन भी बन जाएगा स्नैपड्रैगन 865 के साथ। दोस्तों यहाँ पे बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो iQOO 3 Pro या तो फिर Realme X50 Pro, और क्या आपको iQOO 3 Pro के साथ Realme X50 Pro का एक डिटेल कंपैरिजन चाहिए। सो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बोलो, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।